फ्रंटियर गांधी के नाम से मशहूर खान अब्दुल गफार खान को आज ही के दिन 14 अगस्त 1987 में भारत रत्न दिया गया था। वे पहले गैर भारतीय थे जिन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से नवाजा गया। खान अब्दुल गफार खान का जन्म 6 फरवरी 1890 को हुआ था। उनके पिता ने विरोध के बावजूद उनकी पढ़ाई मिशनरी स्कूल में कराई थी। आगे की पढ़ाई के लिए वे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में गए। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने गृह नगर उत्मान जई में एक स्कूल खोला जो थोड़े ही महीनों में चल निकला, पर अंग्रेजी हुकूमत ने उनके स्कूल को 1915 में प्रतिबंधित कर दिया। अगले 3 साल तक उन्होंने पश्तूनों को जागरूक करने के लिए सैकड़ों गांव की यात्रा की। कहा जाता है कि इसके बाद लोग उन्हें बादशाह खान नाम से पुकारने लगे थे। उन्होंने सामाजिक चेतना के लिए खुदाई खिदमतगार नाम के एक संगठन की भी स्थापना की। इस संगठन की स्थापना महात्मा गांधी के अहिंसा और सत्याग्रह जैसे सिद्धांतों से प्रेरित होकर की गई थी। नमक सत्याग्रह के दौरान गफ्फार खान को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में खुदाई खिदमतगारों के एक दल ने प्रदर्शन किया। अंग्रेजों ने इन निहत्ते प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलाने का आदेश दिया जिसमें 200 से ज्यादा लोग मारे गए। जब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग भारत के बंटवारे पर अड़ी हुई थी तब बादशाह खान ने इसका सख्त विरोध किया। जून 1947 में उन्होंने पश्तूनों के लिए पाकिस्तान से एक अलग देश की मांग की, लेकिन ये मांग नहीं मानी गई। बंटवारे के बाद वे पाकिस्तान चले गए। पाकिस्तान सरकार उन्हें अपना दुश्मन समझती थी, इसलिए वहां उन्हें कई साल जेल में रखा गया। 1988 में हाउस अरेस्ट के दौरान पाकिस्तान में ही उनका निधन हो गया। जिंदगी भर अहिंसा के रास्ते पर चलने वाले बादशाह खान की अंतिम यात्रा भी अहिंसक न रह सकी। उनकी अंतिम यात्रा में 2 विस्फोट हुए जिसमें 15 लोग मारे गए। चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक कीप सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड ट्राई टू बी अ काइंड पर्सन एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लीज वियर मास्क एंड फॉलो कोविड 19 गाइडलाइंस।